आज हम लोग वही दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम बृहद गुणन विधि बता चुके हैं, दूसरा है विलोपन विधि। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नोट करते हैं, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करना है आपको, अलग अलग मेथड था आपको बता चुके थे। ठीक है, देखिए एलिमिनेट किसको करना है, एलिमिनेट मतलब होता है गायब करना, या कहिए विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि, जो कहिए उसका मतलब होता है विलोपन गायब हो जाना, लुप्तीकरण लुप्त हो जाना, एलिमिनेट मतलब गायब होना, एलिमिनेट हो जाना। यहां पर आप चुपचाप से पहले 1 लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। एलिमिनेट किसको करना है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एक्स को गायब करना है, तो उसके आगे का साइन देखिए क्या है, दोनों का दोनों प्लस है। तो जब दोनों साइन सेम हो, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, जिसको एलिमिनेट करना है उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए 1x, सब खराब हो गया है ये सब, 1x और नीचे में है 2x, दोनों के आगे प्लस का साइन है। आप x को एलिमिनेट कर रहे हैं, दोनों का साइन अगर सेम है तो आप इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे, -1x -2x। फिर देखिए इन दोनों का साइन फिर सेम है और इन्हीं को एलिमिनेट करना है, तो फिर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। लेकिन अगर आप y को सोचते हैं एलिमिनेट करने का, और हम वहां क्या देख रहे हैं, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो 3y आप इसके नहीं, इसी में समझ लेते हैं, 1x मान लीजिए इसका है प्लस और इसका है माइनस, दोनों का साइन अपोजिट है, इसलिए ऐसे में, सॉरी गलत हो गया है, नहीं नहीं ठीक है, इनको प्लस करेंगे, या फिर 1x का साइन नेगेटिव है और 2x का साइन पॉजिटिव है तो हमको उससे मतलब नहीं है, दोनों का साइन अपोजिट है ना, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, प्लस। अगर आप x को एलिमिनेट करने का सोचते हैं और दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो इक्वेशन 1 2 को माइनस करेंगे। लेकिन y को एलिमिनेट करने का सोच रहे हैं और दोनों का साइन देख रहे हैं कि अपोजिट है, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। याद रखिएगा, अगर साइन सेम हो जिसे हम एलिमिनेट करने वाले हैं, उसका साइन अगर सेम हो तो इक्वेशन को माइनस किया जाता है, लेकिन अगर जिसे आप एलिमिनेट करने का सोचे हैं उनका साइन अपोजिट हो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो, तो इक्वेशन को तब हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमिनेट कर रहे हैं एक्स को, जानबूझकर एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 2 दोनों को इक्वल होना होगा, तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 × 2 12। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिख नहीं रहे हैं, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। समीकरण 1 को आइए लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, तो फिर दिक्कत होगा, आप लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई मतलब गुना करने पर क्या होगा, देख लीजिए 2x, इसके बाद 2 को 3 से कीजिएगा 6y, इसके बाद 2 को 6 से कीजिए तो हो जाएगा 12। ये रहा आपका न्यू इक्वेशन, जब 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तब। उसके बाद आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए आपका मन, और अब लिखिए समीकरण 3 में से
पूरा लिखना पड़ता है, जैसे समीकरण दो को घटाने पर, ये लिखना है आपके हाथ में, जैसा लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें समीकरण तीन में से दो को घटा रहे हैं, तो पहले तीन वाले को लिख लीजिए 6y 12। अब समीकरण टू को लिख लीजिए 2x-3y = 12। माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस का याद रखिएगा, नीचे जो समीकरण रहता है उसका साइन उलट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये प्लस नहीं रहा, क्या हो गया, माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ प्लस है, क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस 2x-2x, प्लस 2x-2x, कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, जीरो। लिखना लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए। प्लस 6y + 3y, प्लस 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 होता है, ये काम कर लीजिएगा। तो 6 और 3 हो जाएगा 9y, बड़ा है 6, आगे है प्लस, तो यहाँ भी होगा प्लस। आप साइन दे सकते हैं, यहाँ जीरो लिख सकते हैं, यहाँ साइन दे सकते हैं, आपका मन। प्लस 12-12, प्लस 12-12, दोनों क्या होगा, कैंसिल, कुछ नहीं बचा, जीरो। जीरो के नीचे प्लस 9 है, ये लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। और यहाँ था प्लस 9, तो प्लस का साइन लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 9 अब कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में, तो y = आ जाएगा जीरो। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1, 2 या 3 कहीं भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर कर देते हैं, नीचे जगह नहीं होता है। समीकरण एक में ही कर देते हैं, या फिर एक आपको वहां दिख रहा होगा उसमें कर दीजिए। समीकरण एक में वाई का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, एक ही बात है, तो आप दोनों में से जो लिखना चाहें। समीकरण एक में वाई का मान रखने पर या फिर प्रति स्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है रखना, x + 3y = 6, यहां भी है, ठीक है। y के जगह पे क्या लिखेंगे आप, जीरो, y से मल्टीप्लाई कीजिए जीरो से इसको, तो हो जाएगा जीरो, और यहाँ आ जाएगा ओनली 6। इस तरह से आपको y भी मिल गया और x भी मिल गया। अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर, x = आपका, यहाँ देखिए x = 6 और y = 0, ये रहा आपका y का वैल्यू, x का वैल्यू, ये रहा फाइनल आंसर। कैसे जांचना है, ये जांचने का विधि आपको जब हम बीजगणित विधि पढ़ाए थे उसमें बता चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप चेक करके देख सकते हैं आंसर सही है या गलत।